अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक सादा सा क्वेश्चन है कि भाई सिंपल क्यूबिक लेटस का जो रेसिप्रोकल लेटस है वो भी क्यूबिक लेटस ही होता है, जिसका लेटस कांस्टेंट 2π/a होगा। a यहाँ पे क्या है, लेटस वेक्टर है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का। तो हमने प्रूफ करना है बुनियादी तौर पे कि जो सादा सिंपल क्यूबिक लेटस होती है, जब आप उसकी रेसिप्रोकल लेटस बनाते हो तो वो जो रेसिप्रोकल लेटस आती है वो भी सिंपल क्यूबिक होती है, ठीक है। और उसका जो लेटस कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, 2π/a। जबकि जो हमारी रियल वाली लेटस क्रिस्टल लेटस होती है उसका जो आपके पास लेटस वेक्टर होता है वो कितना होता है, a होता है। तो जनाब प्रूफ करते हैं। लेट से हम कहते हैं कि सिंपल क्यूबिक लेटस में जो लेटेस्ट बेसिस वेक्टर हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हैं, अगर हम उनके साथ यूनिट वेक्टर भी लगा देते हैं डायरेक्शन, ताकि हमें पता हो ए किस जानिब है, बी किस जानिब है, सी किस जानिब है, तो ए आई प्लस बी ए जे प्लस सी ए के लिखा जा सकता है। अब आप देखो, मैंने ए लिखा, वजह क्योंकि आपके पास ए क्यूबिक है, क्यूबिक की सारी साइडें बराबर होंगी, तो मैं लिख सकता हूं ए बराबर बी बराबर सी के। यानी हकीकत में तो आपको लिखना चाहिए था ना बी वेक्टर बी जे सी वेक्टर सी के, मगर ए बी सी क्यूबिक की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो मैंने ये चीज ले मानी कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ये चीज आ गई। अब अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे भाई, तो आप कहोगे बी क्रॉस सी और डॉट आप ए उस सारे का मैग्नीट्यूड उठा लोगे। तो हम जानते हैं कि हमने रेसिप्रोकल कल के लेक्चर में जब पढ़ा रेसिप्रोकल लेटस, तो आपके पास ए जो रेसिप्रोकल में आया था ए स्टेरिक से जाहिर किया था, 2π b क्रॉस c डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी आ जाएगा। अब आपके पास ए की वैल्यू भी है, बी की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है। फिल वक्त समझाने के लिए मैंने आपके लिए बी बी जे सी सी के डाल दिया, ताकि बाद में मैंने करना चेंज ही है, मैंने बी की जगह ए लगा देना, सी की जगह भी ए लगा देना फिल वक्त, मगर आसानी के लिए ताकि आपको समझ आ जाए मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप वही काम किया कि बी की जगह भी ए आ गया, सी की जगह भी ए आ गया, ए कॉमन उठाया जा सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी, ए ए से कट जाएगा। अब जे क्रॉस के भी आई होता है, नीचे भी जे क्रॉस के और आई होता है, आई डॉट आई वन आ जाएगा, तो इसका मतलब 2π/a बचेगा और आई साथ में आ जाएगा। तो क्या ये अब सिंपल क्यूबिक के लिए आपके पास रेसिप्रोकल लेटस या आपका वेक्टर आ गया। अब आप इस चीज को यूं समझ सकते हो कि आपको सिंपल क्यूबिक दिखाई गई है, मुख्तलिफ प्लेन्स दिखाई जा रही हैं, अब आप उसकी रेसिप्रोकल लेटस बनाते हो। जैसे ये 100 है तो देखो ये 100 आ गया, देन 200 है तो ये आपके पास डबल हो गया, आगे चला गया। अब आपको कल भी समझाया था कि बुनियादी तौर पर रेसिप्रोकल लेटस है, यहां आपने जो इसकी लंबाई कम है तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो डबल हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो, 200 आगे बना हुआ है, 100 पीछे बना हुआ है, सेम मामला इसी तरीके से है 002 और 001 में। आप देख सकते हो 001 पहले आ गया, 002 बाद में आ गया, क्योंकि रेसिप्रोकल लेना है ना। तो आपके पास अब ये एक आपने निकाल लिया, इसी तरीके से बी वेक्टर बी रेसिप्रोकल लेटस में निकाला जा सकता है 2π/b जे, और सी निकाला जा सकता है 2π/c के। मगर बात फिर वही है कि क्यूबिक है ए बराबर बी बराबर सी के, तो नीचे सारे के ए लगाया जा सकता है 2π/a 2π/a 2π/a, ठीक है, यानी बी की जगह ए आ गया, सी की जगह भी ए आ गया। तो ये सादा सा कंसेप्ट चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2π कांस्टेंट है तो ये जो रेसिप्रोकल लेटस है क्या आपके देख सकते हैं इनवर्स है ए के, बी वाला आपका रेसिप्रोकल आपके पास बी के इनवर्स है, सी वाला सी के इनवर्स है, वो तो क्यूबिक होने के नाते हमने ए ए लिख दिया। अच्छा जी, तो अब आपको इस सब का लेटेस्ट कांस्टेंट क्या मिल रहा है, 2π/a मिल रहा है। तो अगर मैं कहूँ इसका वॉल्यूम निकालो तो तीनों को जरब दे देंगे, 2π/a 2π/a 2π/a, तो क्यूब आ जाएगा। अब आप जरा गौर करो कि जो यूनिट सेल है डायरेक्ट लेटस का और रेसिप्रोकल लेटस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 100 है, मगर जब आपने इसका वॉल्यूम लिया तो क्या आपके पास ये 100 इधर नहीं आ गया। यानी अगर इसका रियल में वॉल्यूम ज्यादा था तो रेसिप्रोकल में वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रियल लेटेस्ट का वॉल्यूम बड़ा है तो इनवर्सली वाले का वॉल्यूम छोटा होगा, वाइस वर्सा भी आप सोच सकते हैं। तो ये प्रूफ था बेसिकली कि हमने साबित किया कि भाई जो आपके पास सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लेटेस्ट लेते हो तो जवाब में वो भी आपके पास सिंपल क्यूबिक ही आता है। जैसे आप इस तस्वीर से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वो बान फिर भी सिंपल क्यूबिक ही रहा है, ठीक है।
तो ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूफ किया, फिगर के लिहाज से भी देख लिया। कल हम देखेंगे एफसीसी के बारे में कि एफसीसी की रेसिप्रोकल लेटेस क्या बनती है, फिर हम बीसीसी की रेसिप्रोकल लेटेस देखेंगे। ठीक है जनाब, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।